खबर विकासनगर से है, जहां दीपावली के मौके पर कालसी वन प्रभाग टीमली वन रेंज अधिकारी मुकेश कुमार और उनकी टीम अलर्ट मोड पर आ गई है। टीमली वन क्षेत्र अधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में शिकारी पर पैनी नजर रखते हुए टीमली क्षेत्र के जंगलों में वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है। आपको बता दें कि दिवाली के मौके पर लक्ष्मी जी का वाहन माने जाने वाले उल्लू की जान भी खतरे में है। इन दिनों वन क्षेत्रों और आरक्षित क्षेत्रों में उल्लुओं की तस्करी जोरों पर है। इस दौरान उल्लू की कीमत लाखों रुपए तक हो जाती है, लेकिन उत्तराखंड के कालसी वन प्रभाग की टीमली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी मुकेश कुमार भी दिवाली को लेकर अपनी टीम के साथ इन दिनों अलर्ट मोड पर हैं। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। उल्लू की पूजा होती है दिवाली के टाइम पे, और उल्लू मतलब एक पूजा कारक है, उसकी पूजा का बड़ा महत्व है, और विशेष करके इसकी दिवाली की ही उसमें पूजा होती है। सभी लोग विधि विधान से इसकी पूजा करते हैं, और विशेष उल्लू की पूजा दिवाली के पर्व महापर्व में होती है। देखिए, जैसे शीत ऋतु के आरंभ में शिकार की घटनाएं बढ़ जाती हैं, और अभी कुछ दिनों पश्चात ही दिवाली का पर्व भी है, तो इस अवसर पर लोगों में अंधविश्वास और कई तरीके की मान्यताएं हैं कि उल्लू का तांत्रिक विद्याओं में यूज करने से किसी प्रकार का कोई फायदा होगा। तो ऐसी कोई घटना घटित ना हो और किसी प्रकार का कोई भी वन अपराध किसी वन्य जीव के प्रति घटित ना होने पाए, तो हमारे द्वारा इस संपूर्ण क्षेत्र में एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है कि जिससे कि हम सभी जीवों की सुरक्षा ठीक प्रकार से कर सकें।